Hi everyone, my name is Vinita and this is our next lecture in CSET preparation. And क्योंकि अभी हम लोगों ने रीजनिंग के दो तीन लेक्चर्स हमारे चले गए हैं. आई थिंक फोर लेक्चर्स आर अवेलेबल इन रीजनिंग सेक्शन. सो लेट स्टार्ट विद द क्वांट टूडे. सो इस तरह से ऑल्टरनेट सेक्शंस हम लोग लेते रहेंगे, रीजनिंग, क्वांट एंड देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. से क्या रहेगा, विल टेक ऑल द थ्री सेक्शंस टुगेदर और आपको मोनोटोनस भी नहीं लगेगा और वो एक चीज इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा. एंड अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट इट फर्दर, बट लेट मी रिमाइंड यू कि डेली हाफ एन आवर अगर आप सी सेट को देते हो तो लास्ट में आपका बर्डन काफी रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका जो जीएस प्रिपरेशन है वो भी हैम्पर नहीं होगा. राइट, सो क्वांट में सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द नंबर सिस्टम. अगेन जिन लोगों को मैथ्स फोबिया है, मैथ्स उतना भी इसमें यूज नहीं होता है, हार्ड वाला मैथ इसमें नहीं रहता है, नॉर्मल रहेगा. जैसे आपके आपको नंबर्स के साथ डील करना रहेगा, बट आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा. हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे. आई नो देर आर डिफरेंट लेवल्स लेवल ऑफ लर्नर्स, तो हो सकता है कुछ को ऐसे लगे कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे हैं, बट ग्रेजुअली वी विल रेज अवर लेवल और धीरे धीरे हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बट वी विल स्टिक टू द सिलेबस एंड जो यूपीएससी पैटर्न है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम उसी को स्टिक रहेंगे. दैट्स द स्ट्रेटेजी बेसिकली. सो लेट्स कॉन्टिन्यू विद दिस. ठीक है, तो नंबर सिस्टम. सो बेसिकली कोई भी जो नंबर लिखा होता है ना, कोई भी एनी नंबर बी इट कुछ भी हो सकता है, 1002 या फिर 5005, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है जो लिखा हुआ है, उसके साथ एक बेस अटैच होता है. उसका एक बेस होता है. हम लोगों ने जो यूजुअल स्टैंडर्ड बेस पढ़ा है, आपने डेसिमल बेस पढ़ा होगा, मतलब 10 बेस जो होता है जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. लेकिन सिर्फ वही एक नंबर सिस्टम नहीं होता है, अपने पास देयर आर अदर नंबर सिस्टम्स एज वेल. फॉर इंस्टांस देयर इज बाइनरी नंबर सिस्टम, देयर इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन देयर इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 होता है. नॉर्मली कोई भी नंबर अगर लिखा होता है उसके ऊपर अगर बेस मेंशन नहीं है, दैट मीन्स दैट नंबर इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम, वो कंसिडर किया जाता है एक तरह से. बेस 10 होता है, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो दीज आर द 10 डिजिट्स, 0 to 9. बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 2 होता है. सो इसमें जो इसमें दो ही डिजिट्स रहेंगे, 0 and 1, 0 and 1 ओनली. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसमें बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसमें बाइनरी नंबर यूज होता है. आप कभी भी देखोगे तो 0101 में डेटा जो है वो किया जाता है. आप जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े होंगे आपने, फिजिक्स में नहीं भी पढ़े होंगे, बट 0 and 1, जैसे कोई स्विच होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक स्विच होता है, तो उसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ऑफ 0 1 ऑन, इस तरह से रहता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस जो होता है वो आपके पास 8 बेस होता है. सो इसमें 8 डिजिट्स होते हैं. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस रहता है वो 16 बेस रहता है, तो इसमें 16 डिजिट्स होते हैं. बट 0 to 9 तो अपने पास डिजिट्स हो गए, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इन टोटल ये 10 डिजिट्स हो गए ना. बट आगे फर्दर 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये आपके पास डिजिट्स नहीं है, क्योंकि ये दो दो डिजिट से मिलकर बने हुए हैं. Getting me ना, 12 जो है 1 and 2 से मिलकर बना हुआ है, 13 1 and 3 से मिलकर बना हुआ. तो इसमें क्या करते हैं फिर, इसमें हम लोग फिर अल्फाबेट्स का यूज करते हैं. सो 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल सिस्टम में, 11 इज रिप्रेजेंटेड बाई बी, 12 इज रिप्रेजेंटेड बाई सी,
13 is represented by D, 14 is represented by E, 15 is represented by F. So this is like this, right? A, B, C, D, E, F. हमें इन तीनों नंबर सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको क्वेश्चंस आएंगे इन तीनों से. बस आपको जनरल ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. हमें डील करना है बेसिकली डेसिमल सिस्टम के साथ, जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है. तो इसमें टोटल डिजिट्स होते हैं 10. ओके, सो किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा जाता है, उसके नीचे एक बेस होता है बी. अगर ये बेस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 10 कंसिडर किया जाता है बेसिकली बेस. सो ये होता है नंबर, और बी जो है बी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को. अब किसी भी नंबर की दो वैल्यूज होती हैं, किसी भी नंबर में एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 213485, ये मेरे पास एक नंबर है, बेस 10 में है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है. तो इसमें फेस वैल्यू का मतलब है द वैल्यू इट्सेल्फ, द वैल्यू इट्सेल्फ मतलब जो वैल्यू आपको दिख रही है. जैसे यहाँ पर ये 5 है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो गई, 5 ही हो गई. फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो गई, फेस वैल्यू ऑफ 8, सिंपल 8 ओनली. जो आपको बेसिकली वो वैल्यू दिख रही है वही, उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट. 3 की फेस वैल्यू 3 ओनली. बट व्हाट डू वी मीन बाय प्लेस वैल्यू. अब हर एक जो नंबर है ना, हर एक जो डिजिट है, वो अपने आप में एक वेट कैरी कर रहा है. आपने पढ़ा होगा ये चीज. जैसे 53 है, तो 3 का जो वेट है वो कितना है, वो 10 है बेसिकली. 5 का जो वेट है, सॉरी 3 का जो वेट है वो 1 है, राइट. 5 का जो वेट है वो 10 है. ये कैसे पॉसिबल है, ये एक्चुअली 10 की पावर में चलता है. जैसे राइट हैंड साइड से जो सबसे पहला डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, जिसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला डिजिट है उसका वेट होगा 10 to the power 0. फिर नेक्स्ट डिजिट का वेट होगा 10 to the power 1. अगर यहाँ पर फर्दर कोई और डिजिट है तो उसका वेट होगा 10 to the power 2. इस तरह से जाता है. अब 10 to the power 0 क्या होता है, 1. किसी की भी पावर 0 विल बी 1 ओनली. सो 3 का जो वेट है ना वो 1 है. बट 5 का वेट कितना है, 10 into 5. 5 का वेट, 5 के जो वेट का मतलब है 5 को वेट क्या असाइंड है, 5 को वेट असाइंड है 10. 2 को वेट असाइंड है 100. अब प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू है इंटू 53, प्लेस वैल्यू ऑफ 3. प्लेस वैल्यू होती है जो फेस वैल्यू है उसको आप उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो. जो प्लेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू ना, जो वैल्यू आपको विजिबल है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो गई, 5 तो अपना फेस वैल्यू है, उसको उसके वेट से, वेट क्या असाइंड है, 10 वेट असाइंड है, तो ये 50 हो गई. नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगी, 2 अपना फेस वैल्यू है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 10 स्क्वायर से. सो दिस इज 100 into 2, तो 200, राइट. सो 200 + 50 + 3, सो ये क्या आ गया, 253 आ गया ना. 250. जब आप इन सारी प्लेस वैल्यूज को ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, क्लियर है. सो हर नंबर के दो, हर नंबर में जो डिजिट्स होती हैं उनके दो वैल्यूज होती हैं, एक फेस वैल्यू होती है, एक प्लेस वैल्यू होती है. फेस वैल्यू जो वैल्यू इटसेल्फ है, जो वो डिजिट है बेसिकली, जो आपको विजिबल है बाहर से. प्लेस वैल्यू, हर डिजिट अपना एक वेट कैरी करती है बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन, बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन. तो उसके हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होती है जब आप फेस वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हो. जैसे यहाँ पर 5 को वेट क्या असाइन होगा, 10 to the power 0. 8 को वेट क्या असाइन होगा, 10 to the power 1. 4 को वेट असाइन होगा 10 to the power 2. 3 को वेट असाइन होगा 10 to the power 3. 1 को वेट असाइन होगा 10 to the power 4.
टू को वेट असाइन होगा 10^5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 हियर, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। सो 4 जो फेस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 स्क्वायर से। सो 4 इंटू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400। सो इसका जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 400 बेसिकली, राइट। तो इस तरह से होता है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इसमें बताना, 9 का प्लेस वैल्यू बताना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डेसिमल सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं, एक तो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, इनको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। मतलब इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियलिटी में, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर इंस्टांस मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 4 का अंडर रूट क्या होगा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4। सो यू विल से इट कैन बी आइदर 2 और इट कैन बी -2, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4। बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि -4 का अंडर रूट क्या होगा, -4 का अंडर रूट। सो ये नहीं हो सकता ना रियल में, रियल में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रियल में आप जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, नेगेटिव नंबर मिल ही नहीं सकता है। बट इमेजिनरी उसमें मिलता है जब हम इमेजिनरी सिस्टम में जाते हैं। सो अंडर रूट -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। सो बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज -1। सो मैं आपसे पूछू व्हाट इज अंडर रूट -4, यू विल से +-2 आयोटा। सिंपली आयोटा किसके लिए, -1 के लिए, 4 के लिए +-2। सो चलो छोड़ो, ये आपको जरूरी भी नहीं है। अब आते हैं रियल नंबर्स, हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे आपके पास -∞ to +∞, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं जो आप देखते हो वो सारे रियल नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं सारे। अब रियल नंबर्स में भी ना दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है। एक आपके पास होते हैं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में आपके क्या, जैसे मेन डेफिनेशन इसके अंदर ये है कि इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या समझते हो, फ्रैक्शन का मतलब है पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू शुड नॉट बी जीरो। क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो ये समथिंग बाई जीरो, तो वो लॉजिक नहीं है, वो नंबर नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं होगा, वो इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा, और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। सो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 4/5 एक फ्रैक्शन है, 5/9 एक फ्रैक्शन है, 9/11, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है बेसिकली, जिनको आप समथिंग बटा समथिंग लिख सकते हो बेसिकली, समथिंग बाई समथिंग है ना, सम नंबर बाई सम नंबर, गेटिंग माई पॉइंट, पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का मतलब होता है जिसमें आपका बेसिकली पी शुड बी लेस देन क्यू। जैसे 3/4 है प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/9 है प्रॉपर फ्रैक्शन है, 13/19 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में पी जो है वो ग्रेटर देन क्यू होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा रहेगा। सो जैसे मैं इन्हीं को उल्टा कर दूं, 19/13 इम्प्रॉपर आ गया ना,
9/8 इम्प्रॉपर है, 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, सारे इरेशनल नंबर्स हैं। सो रियल नंबर्स दो टाइप के नंबर्स से बना होता है, रियल लाइन जो है ना, रियल नंबर सिस्टम, उसमें रैशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, राइट? रैशनल जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, इरेशनल जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सो जितने रियल नंबर्स हैं उनमें से जो रैशनल्स अगर आप हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इरेशनल बच जाएंगे सारे। जैसे कि रूट अंडर रूट पाई है, या फिर पाई सिर्फ, अंडर रूट टू है, अंडर रूट थ्री है, इन सबको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। उतना आपको यूज़ नहीं रहेगा इरेशनल नंबर्स, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स में से ही रहते हैं, मतलब इरेशनल से आपको अभी डील नहीं करना पड़ेगा, इस एग्जाम के लिए डील नहीं करना पड़ेगा। अब रैशनल में भी ना कई और टाइप होते हैं, रैशनल के अंदर भी कई और, जैसे आपने पॉजिटिव नंबर्स देखा है, नेगेटिव नंबर्स देखा है, इंटीजर्स है, तो रैशनल में भी फर्दर टाइप होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट? या फिर फ्रैक्शन हो सकते हैं। इंटीजर्स का क्या मतलब है, जिनके जिनका जो डिनोमिनेटर, इंटीजर्स मतलब है जैसे फॉर इंस्टांस मैं आपको बोलूं, जिनके नीचे क्यू की वैल्यू 1 होती है, अगर क्यू 1 होता है तो जो नंबर्स हमारे पास मिलते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। -8 है, इसके नीचे 1 है ना, अंडरस्टूड है, -7 है, -6 है, -5 है, -4, अप टू सोन, 2, 3, 4, 5, अप टू सोन, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, जैसे ये सारे जो है नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जो पॉजिटिव साइन के साथ हैं, पॉजिटिव साइन के साथ हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स भी होते हैं, मतलब इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में से ही निकलते हैं, इनका बेस क्या होता है, सॉरी इनके डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो इनमें सिर्फ पी होता है, राइट? सो -8, -7, -6। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में फिर क्यू 1 नहीं होता, जैसे बाकी मैंने वहां पर एग्जांपल्स दिए थे ना, 13/19, 19/13, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको फ्रैक्शन नंबर्स बोलते हैं। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, इनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, दीज आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। देखो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब उनमें से जो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स है ना, उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल जिनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे काउंटिंग किसी भी चीज को, आपके पास बॉक्स ऑफ एप्पल्स, आपको काउंट करना है तो आप ऐसे थोड़े काउंट करोगे -1, -2, -3, इस तरह से नहीं ना, तो उनको काउंट करोगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। तो नेचुरल नंबर्स को ऐसे याद रखना, काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, राइट? मतलब नेचुरल नंबर्स वही होते हैं, गेटिंग मी ना? और ना ही आप किसी चीज को काउंट करने के लिए फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हो, इसलिए नेचुरल नंबर्स में आपके जो कंप्लीट नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब उसके अंदर होते हैं, राइट? आई बात समझ में सबको? सो रैशनल रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल होता है, इरेशनल होता है। रैशनल्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल्स जो जितने भी रैशनल्स के अलावा जितने रियल्स हैं वो सारे इरेशनल्स हैं, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रैशनल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट? सो -8, -7, -6, -5, -4, ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर्स बोला जाता है, इनको काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है।
ऑल गुड। अब नेचुरल नंबर्स के साथ डील करते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर्स में और क्या क्या टाइप होते हैं? नेचुरल नंबर्स में इसमें भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स निकलते हैं, राइट। सबसे पहले जिसमें इवन नंबर्स हो सकते हैं, ओड नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, राइट, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, राइट, ट्विन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कंपोजिट नंबर्स आते हैं, फिर आपके पास जैसे परफेक्ट नंबर्स आते हैं। दिस इज इट, सो नेचुरल नंबर्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स हैं, जैसे टाइप ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, बेसिकली परफेक्ट नंबर्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, जो टू से डिविजिबल है। कौन कौन से हो सकते हैं? टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, टेन है, ये सब नंबर्स जो है डिविजिबल है टू से। इनके साथ जीरो भी है, जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। क्यों? जीरो बाय टू विल बी जीरो ओनली, यू कैन नॉट से जीरो इज नॉट डिविजिबल, जो जीरो इज एन इवन नंबर। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा इवन नंबर को वो कौन सा है, तो सबसे छोटा तो वैसे आप, क्योंकि इसके अलावा, जीरो के अलावा माइनस टू भी तो है ना, माइनस टू भी है, माइनस फोर भी है, अगर आप रेस्ट उसमें जाते हो तो, इंटीजर्स में जाते हो तो, राइट, ये भी तो नंबर्स है ना, ये इंटीजर्स है बेसिकली, बट ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर आप सबसे छोटा इंटीजर्स में पूछो तो आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर माइनस इनफाइनाइट्स आपको पता नहीं ना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड में माइनस फोर स्मॉलर है माइनस टू से, पता है ना ये चीज सबको, माइनस फोर इज स्मॉलर देन माइनस टू, फिर माइनस सिक्स है उससे छोटा, फिर उससे छोटा माइनस एट है, तो ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि नेचुरल नंबर्स में से या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से शॉर्टेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू, ये क्या है? जीरो है ऑब्वियसली, इफ आई कंसिडर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें जो शॉर्टेस्ट नंबर है, शॉर्टेस्ट इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय टू, इट इज जीरो। उसके बाद जैसे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपल से बात है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑड नंबर है, थ्री ऑड नंबर है, फाइव ऑड नंबर है, सेवन ऑड नंबर है, नाइन ऑड नंबर है, इलेवन ऑड नंबर है, इनको आप टू से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू या विच इज ऑड, सो वन इज द शॉर्टेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज एन ऑड नंबर, जो कि एक ऑड नंबर है, क्लियर है? सो इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि इवन और इवन को अगर आप ऐड करते हो, फॉर इंस्टांस फोर टू को ऐड करो, एट टू को ऐड करो, तो डेफिनेटली यू विल गेट एन इवन नंबर। बट इफ यू ऐड इवन एंड ऑड नंबर, इवन एंड ऑड नंबर को अगर आप ऐड करते हो, जैसे फॉर इंस्टांस टू एंड थ्री को अगर आप ऐड करोगे, तो यू विल गेट एन ऑड नंबर, राइट? थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव इज एन ऑड नंबर। अगर आप ओड एंड ऑड नंबर को ऐड करोगे, फॉर इंस्टांस फाइव एंड फाइव को ऐड करें तो टेन,
सो 10 इज एन इवन नंबर. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इवन एंड इवन टुगेदर मेक्स एन इवन नंबर, इवन एंड ओड टुगेदर मेक्स एन ओड नंबर, ओड एंड ओड टुगेदर मेक्स एन इवन नंबर. अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या चीज है? अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन इवन नंबर सिंपली. अगर ओड को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ओड को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यू विल गेट एन ऑड नंबर. टू उसका फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि टू किसी का भी फैक्टर नहीं है इन दोनों में से. लेकिन अगर आप ओड एंड इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो टू इसका फैक्टर है ना, तो इसके जो रिजल्ट आएगा उसका भी फैक्टर होगा. सो यू विल गेट एन इवन नंबर. क्लियर है सबको? तो ये चीज है. सो इवन हो गया, ओड हो गया. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय द प्राइम नंबर. व्हाट डू वी मीन बाय द प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इट्सेल्फ. सो जिनका और कोई फैक्टर नहीं एडजस्ट करता, जिनका फैक्टर सिर्फ वन है या वो नंबर खुद है. और बेसिकली ये दो फैक्टर सब नंबर्स के होते हैं. वन सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और वो खुद जो नंबर है वो तो खुद को डिवाइड कर ही सकता है ना. टू बाई टू विल बी वन ओनली. बट प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ यही दो डिवाइजर्स होते हैं. जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 10 एक प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 10 इज डिविजिबल बाई 2, 5, राइट? तो 10 एक प्राइम नंबर नहीं है. बट इफ आई आस्क यू 2, क्या 2 अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल है? नहीं है, या तो 1 से या 2 से. सो 2 एक प्राइम नंबर है. वट अबाउट 3? 3 का भी सेम सीन है, 5 का भी सेम सीन है, 7 का भी, 11 का भी, 13 का भी, 17 का भी, 19. ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल है या फिर खुद अपने नंबर से डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स. इफ आई आस्क यू विच वन इज द शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर, शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर, सो दिस इज बेसिकली 2. शॉर्टेस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर इज 2. उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स आर बेसिकली जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. कंपोजिट मतलब जो प्राइम नंबर्स नहीं है, जिनके दूसरे फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. वन एंड उस खुद नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स जिनके एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं. तो मैंने कहा दो फैक्टर्स तो सभी के होते हैं, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ. सो उनके अलावा अगर फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो दैट नंबर इज ए कंपोजिट नंबर. Having more than two factors. जैसे फॉर इंस्टांस 4. 4 has factors 1, 2 and 4. तो 3 factors हो गए ना in total. So 4 is a composite number. What about 9? So 1, 3, 9. तो 3 factors हो गए. तो यहाँ पर 9 is a composite number. Right? Similarly 8 है. 4 एक factor है, 2 एक factor है, 1 एक factor है, और 8 एक फैक्टर है. तो जो बेसिकली जो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है ना, वो कंपोजिट नंबर्स हैं, जिनके फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं. 1 और खुद उस नंबर के अलावा कोई अगर एक फैक्टर भी एग्जिस्ट करता है तो वो कंपोजिट नंबर है, राइट? उसके बाद है देन कम्स प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया,
रिलेटिवली प्राइम हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्राइम एंड नॉन प्राइम पढ़ रहे हैं ना, इनको नॉन प्राइम भी आप बोल सकते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स, राइट। तो प्राइम नंबर्स में भी ना तीन टाइप्स और आते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम। सेकेंड आता है को प्राइम, थर्ड आपके पास आता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। सो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, बेसिकली ये रिलेटिव, अगर रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट होता ना, रिलेटिवली मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में, राइट, रिलेशन में। सो ये पेयर होता है, जैसे जैसे फॉर इंस्टांस इफ आई से 15, 15, 29, जैसे ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है इनका कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को साथ में डिवाइड कर सके, गेटिंग मी? सो 15 और 29 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा 16, 19 का देख लो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो वन के अलावा? नहीं ना। तो ये रिलेटिवली प्राइम है कि दोनों का कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन, बेसिकली वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम देखो, रिलेटिवली प्राइम में इंडिविजुअल नंबर का फैक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पर 15 का फैक्टर है 3 एंड 5, 3 15 को डिवाइड करता है, 5 भी 15 को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली 16 के भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 है 8 है 2 है, राइट। तो ये दोनों आपस में तो प्राइम है, बट इंडिविजुअली तो प्राइम नहीं है ना दोनों। ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, 15 नहीं है, 19 प्राइम है, बट 16 कंपोजिट नंबर है। सो इनको बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। बट को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो इंडिविजुअली भी प्राइम होते हैं। 13, 17 है, आपस में रिलेटिवली प्राइम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन ही है, बट इंडिविजुअली भी प्राइम ही है, 13 प्राइम है 17 प्राइम है। सिमिलरली जैसे कि आपके पास मैं बोल 19, 23, रिलेटिवली प्राइम है दोनों, और इंडिविजुअली भी क्या है, कंसिडर करोगे तो दोनों प्राइम नंबर्स। तो इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? एक प्राइम के जस्ट आफ्टर नेक्स्ट प्राइम नंबर। जैसे मैं बोलूं 3, तो इसका 3, 5, ये ट्विन प्राइम। 11, 13 ट्विन प्राइम है, 13, 17 ट्विन प्राइम, 17, 19 ट्विन प्राइम, कि ये जस्ट आफ्टर जो प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है। तो 17 के बाद 18, 18 तो प्राइम नहीं है, 18 के तो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, देन 19, सो 17, 19, ये ट्विन प्राइम। अब ये क्वेश्चंस कैसे काम आते हैं? ये क्वेश्चंस ऐसे काम आएंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि दो नंबर्स हैं, दोनों रिलेटिवली प्राइम है, और दोनों का जो सम है, लेट से देर आर टू नंबर्स ए एंड बी, और दोनों का जो सम है वो 20 है, और ए जो है वो लेस देन बी है। दोनों रिलेटिवली प्राइम है, दोनों का सम 20 है, और ए लेस देन बी है, तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? इसे मैं यहां लिखती हूँ, देर आर टू रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 एंड ए इज लेस देन बी। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? जैसे आपके पास 119 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 218 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 317 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 416 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 515 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 6 एंड 14 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 7 एंड 13 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 8 और 12 का ऑप्शन है, फिर आपके पास 9, 11 का ऑप्शन है, आगे फर्दर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10, 10 लिखोगे तो उसमें दोनों सेम हो जाएंगे, एंड भी ए बी से छोटा होना चाहिए, तो इन सब में ए बी से कम है ना, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। अब इनमें से डिसाइड कर लो रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से हैं, किडिंग मी? रिलेटिवली प्राइम नंबर को, अब 119 वैसे नेग्लेक्ट हो गया,
क्यों? क्योंकि वन प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं किया जाता है, शॉर्टेस्ट प्राइम नंबर जो है ना पॉजिटिव वो टू है, राइट? सो वन तो वैसे एक्सक्लूड हो गया ये, 218 क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, 317 पॉसिबिलिटी जो है ये हो सकती है, 317 बिल्कुल पॉसिबल है, 416 नहीं पॉसिबल है, 4 कॉमन फैक्टर है, 515 नहीं पॉसिबल है, 5 कॉमन फैक्टर है, 614 नहीं पॉसिबल है, 2 कॉमन फैक्टर है, 713 पॉसिबल है बिल्कुल, 812 नहीं पॉसिबल है, 4 कॉमन फैक्टर है, 911 पॉसिबल है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया होगा आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, तो वहां ये जो नॉलेज है ये आपकी काम आएगी, क्लियर है? लास्ट हमारे पास बचा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली इसका एक सिंपल सा, इसमें ज्यादा नंबर्स परफेक्ट नहीं होंगे, पहली बात तो सम ऑफ द फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर। जैसे फॉर इंस्टांस अगर मैं 28 कंसिडर करूं, तो 28 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, उसके अलावा 4 है, 4 के बाद 7 एक फैक्टर है, फिर 14 एक फैक्टर है। सो अगर आप इनको ऐड करोगे, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। सो सम ऑफ द फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ऐसे रहता है, इसको परफेक्ट नंबर बोला जाता है, क्लियर है? सो इसको समराइज कर देती हूँ मैं ब्रीफ में। सो नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के हो सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल इज ऑल वी कंसर्न्ड अबाउट, तो डेसिमल में बेस जो होता है वो 10 होता है, 0 to 9 डिजिट्स रहती हैं हमारे पास। किसी भी नंबर के दो टाइप की वैल्यूज होती हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिखती है, प्लेस वैल्यू जो वो वेट होल्ड करती है बेसिकली, उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं फेस वैल्यू से, तो वहां से मिलती है हमें प्लेस वैल्यू। नंबर्स रियल नंबर में हम बात करेंगे, इमेजिनरी सिस्टम की बात नहीं करेंगे। रियल में दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल्स। रैशनल्स जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, इरेशनल्स जो रैशनल्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल में भी इंटीजर्स आते हैं और फ्रैक्शन आते हैं। इंटीजर्स मतलब जिनको, जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, क्यू की वैल्यू 1 होती है बेसिकली। इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स में भी जैसे इवन नंबर्स हैं डिविजिबल बाई 2 और नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2, उसके अलावा प्राइम नंबर्स जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो किसी और से डिविजिबल नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, रिलेटिवली प्राइम पेयर, अगर आप ए बी का पेयर कंसिडर करो तो वो दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नंबर्स ही होते हैं, इट इज जस्ट दैट कि वो इंडिविजुअली भी प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट? ट्विन प्राइम किसी एक प्राइम नंबर के जस्ट आफ्टर अगर नेक्स्ट प्राइम नंबर आप लेकर चलो एक पेयर में, तो वो दोनों ट्विन प्राइम कहलाएंगे। ओके, उसके बाद है परफेक्ट नंबर जो कि बहुत रेयर होते हैं, इसमें जो फैक्टर्स का सम है वो नंबर के ही इक्वल होता है, जैसे मैंने 28 का आपको एग्जांपल दिया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, काफी लंबा सेशन हो गया। टिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू।